दस दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। आज 10 दिन नहीं 25 दिन हो चुके हैं और उनकी सरकार भी बन चुकी है, लेकिन किसानों का व्यावहारिक रूप से एक पैसा तक माफ नहीं किया गया है। आइए जानते हैं इस मामले में शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर देंगे। किसान ने इस घोषणा पर विश्वास किया, कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन आज हालत यह कि 10 दिन नहीं 25 दिन हो गए, व्यवहारिक रूप से किसान के कर्ज का एक नया पैसा माफ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है केवल कागजी कार्रवाई है, लेकिन अभी मैंने देखा अनुपूरक बजट में कर्ज माफ होना है 50 लाख से ज्यादा किसानों का, लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, लेकिन बजट में प्रावधान किया केवल 5,000 करोड़ रुपया अनुपूरक बजट में। अब 5,200 करोड़ रुपया तो मैंने फसल बीमा योजना के बांट दिए थे इसी साल 4 महीने पहले, एक साल में 32,701 करोड़ रुपए किसान के खाते में मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने डाले थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले थे, लेकिन ये सरकार केवल अनुपूरक बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। वो 5,000 करोड़ रुपया कितने लोगों को देंगे, कब देंगे, कितना देंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रचार ज्यादा हो रहा है चुनाव में लोकसभा के राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। 15 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक आवेदन भरे जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे, किसी के खाते में पैसा नहीं आएगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 22 फरवरी को पहली राशि खाते में जाएगी। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, फरवरी के अंत में, मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी और फिर किसान के खाते में पैसा नहीं जाएगा? तो है ही 5,000 करोड़, उसके लिए कई तरह की फॉर्मेलिटीज, अलग अलग रंग के फॉर्म बनाए गए, हरा फॉर्म, सफेद फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, और इतनी जटिलताएं पैदा कर दी गई है पात्रता के नाम पर कि कई किसान पात्र हो ही नहीं पाएंगे। ऐसी जटिल प्रक्रिया जो कर्ज माफी को बहुत मुश्किल बना देगी, ये किस लिए अपनाई जा रही है? मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं, कोई आवेदन लेने की, फॉर्म भराने की जरूरत नहीं है। ऑन रिकॉर्ड है राष्ट्रीयकृत बैंकों की किस शाखा में कितना पैसा है, कर्जा माफ कितने कितने रुपए की कर्ज, कितने किसानों की कितनी कर्ज माफी होनी, सहकारी बैंकों के आंकड़े हमारे पास है। तो इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो, सीधे किसान के खाते में पैसा डालो, बैंकों को पैसा दे दो। लेकिन उसके बजाय कर्ज माफी को उलझाया जा रहा है, किसान को उलझाया जा रहा है, और इसलिए सरकार से मांग करता हूं कि सीधे किसान के खाते में पैसा डाल के या बैंकों को पैसा देके इस कर्ज माफी को अंजाम दें।